नमस्कार, मैं हूं अजय साने और स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल सेन में। ये खूबसूरत लैंडस्केप कोई स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड का नहीं है। आज हम उत्तराखंड के इसी बेमिसाल डेस्टिनेशन की विजुअल ट्रिप पे चलेंगे और उसका नाम है मुक्तेश्वर। छुट्टी मिली और तुरंत ट्रिप फिक्स कर दी। 2 दिन मुक्तेश्वर, 2 दिन सातताल में बर्डिंग और 3 दिन जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी, पूरा नेचर ओरिएंटेड। मुक्तेश्वर और सातताल नॉर्मली किसी टूर ऑपरेटर के आइटनरी में नहीं आते हैं। यूट्यूब वीडियो में कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN के गेस्ट हाउस से हिमालयन रेंज का मैग्निफिसेंट व्यू देखा था, तो उनकी दिल्ली ऑफिस से कॉन्टेक्ट किया और ऑनलाइन पेमेंट के बाद तुरंत कंफर्मेशन व्हाट्सएप पे आ भी गया। रिस्पांस बहुत फास्ट और एटीट्यूड बहुत ही वेलकमिंग था। मुक्तेश्वर दिल्ली से सबसे दूर अराउंड 350 किलोमीटर यानी करीबन 8 घंटे की जर्नी थी, तो सबसे पहले वही डेस्टिनेशन फाइनल किया। सुबह 5:30 बजे दिल्ली से निकले तो 9:30 बजे तक कोहरे के कारण स्पीडोमीटर का काटा 70 किलोमीटर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। गूगल मैप के अनुसार मुक्तेश्वर के लिए गाजियाबाद, हल्द्वानी, भीमताल से होके जाना था। हल्द्वानी के बाद अब तक का प्लेन लैंडस्केप खूबसूरत हिली टेरेन में बदल गया। ज़्यादातर रोड वाइड और काफ़ी अच्छा था। जंगल में एक सेफ जगह देखकर गाड़ी साइड करके घर से लाया हुआ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद करीबन 1:30 बजे हम मुक्तेश्वर पहुँच गए। उस दिन बारिश और कोहरे का माहौल मुक्तेश्वर तक बरकरार था। क्लाइमेट सुपर चिल्ड हो गया था। जाते जाते निर्वाणा ऑर्गेनिक किचन में लंच में पहाड़ी थाली का आनंद ले लिया। जबरदस्त ठंड में लोकल दाल का गर्मा गर्म सूप और खाना सुकून भरा लग रहा था। KMVN का गेस्ट हाउस माउंटेन टॉप पर बसा हुआ है और रोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एक बार फिर से घुमावदार घाट रोड से होते हुए गेस्ट हाउस पहुंच गए। गाड़ी पार्क करके एग्जीक्यूटिव रूम की तरफ निकले ही थे और सामने वो मजेस्टिक हिमालयन पीक्स की रेंज कुमाऊं हिल्स के साथ हमारा स्वागत कर रही थी। उस दिन कोहरे के कारण हिमालयन रेंज थोड़ी सी धुंधली दिख रही थी, लेकिन दैट व्यू वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। सुपर चिल्ड हवा चल रही थी, इसलिए दूसरे दिन क्लियर स्काई का प्रेडिक्शन था। अगर हवा रुक जाती तो स्नोफॉल हो सकता था। सुबह सनराइज के साथ हिमालय के अलग अलग पीक्स एक के बाद एक ग्लिटर करते हुए देखना एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। नंदा घाट, हाथी पर्वत, त्रिशूल 22,360 फीट, राजरंभा और पंचचौली पर्वत का शिखर, इनका क्लियर व्यू वॉज जस्ट मेस्मराइजिंग। और सबसे खास था भारत का सेकेंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी 25,645 फीट। नीचे वादियों में और विलेजेस के ऊपर नेचर ने कोहरे की चादर ओढ़ी हुई थी, तो हिल्स के बीच नदी होने का इल्यूजन हो रहा था। यही व्यू सनसेट पे खूबसूरती के कुछ अलग ही डायमेंशन डिफाइन करता गया। इस व्यू को स्पेशल बना रहा था हिमालयन बर्ड्स का मेलोडियस बैकग्राउंड साउंड। ऐसी जगह फोटोशूट तो बनता ही था, तो सब लोगों ने उसका भी आनंद ले लिया। ये और आजू बाजू का एरिया बर्ड वॉचर्स के लिए पैराडाइज है। हमारा अगला पड़ाव सातताल था, जो बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। मैं अगले एपिसोड में वो कवर करूंगा। हिमालय के बैकड्रॉप पे गार्डन में स्नैक्स एंड गर्मा गर्म कॉफी वॉज जस्ट अनफॉरगेटेबल। रूम काफी बड़ा था, टीवी तो था ही, एक चेंजिंग रूम विथ ड्रेसिंग टेबल और एक बड़ा सा वॉशरूम, एक फायर प्लेस भी था पुराना, लेकिन इट वॉज नॉट वर्किंग। कोविड के चलते हमने हमारे मैट्रेस कवर्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स और टॉवेल्स सब घर से लेके चले थे, तो वही यूज किए। नैनीताल से 70 किलोमीटर दूर कुमाऊं हिल्स पर 7,500 फीट हाइट पे बसा डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड मुक्तेश्वर 5,500 साल से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से जाना जाता है। यहाँ पर 1885 में स्थापित कैटल्स और एनिमल्स के वैक्सीनेशन रिसर्च के लिए फेमस इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। पहाड़ की सीधी चट्टान
यानी चौली की जाली व्यू पॉइंट सनसेट व्यू के लिए फेमस है। और 20 किलोमीटर ड्राइव के बाद थोड़ा ट्रेकिंग करके आप भालूगढ़ वाटरफॉल तक भी पहुंच सकते हैं। बस इतने ही पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। ब्रेकफास्ट के बाद गेस्ट हाउस से हम चल पड़े जंगल के रास्ते चौली की जाली की ओर। घने जंगल से 5-10 मिनट का रास्ता हमें ले गया वहीं पर। इस जगह पे गेस्ट हाउस में न मिलने वाला दूसरी छोर का पूरा 180 डिग्री व्यू मिल जाता है। काफी सारे लोग एडवेंचरस सेल्फी खींचने की रेस में लगे हुए थे। गर्मा गर्म पकौड़े, मैगी या नाश्ता पानी के स्टॉल्स यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उस चट्टान पर काफी सारे कलाकारों ने पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ दी थी। रस्सी से बनाई हुई मैन्युअली कंट्रोल्ड छोटे डिस्टेंस की जिप लाइन बहुत ही खतरनाक लग रही थी, पर यहाँ भी काफी लोग एडवेंचर का मजा ले रहे थे। वहां से थोड़ी दूर चलने से हम पहुंचते हैं यहाँ के 5,500 साल पुराने महादेव मंदिर में। भोलेनाथ के दर्शन करके आजू बाजू थोड़ी देर टहलते हुए हम फिर से पहुंच गए हमारे गेस्ट हाउस में। पहले से ही ऑर्डर देके शाम को डाइनिंग हॉल में खाने का प्रबंध होता है। खाना सिंपल, गर्मा गर्म और टेस्टी था। उस रात जेमिनेट मेटियोर शॉवर था और शूटिंग स्टार देखने का सुनहरा मौका मिला। लेकिन रात 12-12 के बाद मर्क्यूरी लेवल जब 1 डिग्री से नीचे गिर गया तो फिर हम भागे हमारे रूम में। भालूगढ़ वाटरफॉल करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे था और बहुत खूबसूरत प्लेस है करके भी सुना, लेकिन पहले दिन ही बारिश होने की वजह से काफ़ी कीचड़ था और हमारे पास उस टाइप में ट्रैवलिंग गियर नहीं होने की वजह से वो हमने अगले बार के लिए रख दिया। तो ये था हमारा मुक्तेश्वर का ब्यूटीफुल ट्रिप। अभी वक्त है मेरे ऑब्जर्वेशंस का। डेस्टिनेशन, अगर आप नेचर लवर है तो 2 दिन नेचर के बहुत नज़दीक रिज्यूनेट होने के लिए ये जगह सही में पैराडाइज है। आसमान साफ होने से हिमालयन रेंज को कॉटेज के सामने से देखते हुए हटने का मन ही नहीं करता। महादेव मंदिर, चौली की जाली और वो भालूगढ़ वाटरफॉल, इनके अलावा कोई टूरिस्ट स्पॉट्स भी नहीं है। यहाँ बर्ड वॉचिंग भी बहुत बेहतरीन होती है। एकोमोडेशन, KMVN का गेस्ट हाउस बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बसा हुआ है। बुकिंग के लिए एग्जीक्यूटिव रूम्स ही प्रिफर करें। रूम्स विथ हिमालय व्यू, काफ़ी स्पेशस, रीजनेबली क्लीन, खाना टेस्टी और सर्विस भी अच्छी थी। एग्जीक्यूटिव रूम्स के सामने बेंच पर ठंडे क्लाइमेट में गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, मैगी, मज़ा आ जाएगा। पता चला कि फेमस शिकारी जिम कॉर्बेट मुक्तेश्वर के मैनिटर टाइगर को मारने के लिए यहीं पर रुके थे। सुपर लग्जरी स्टे का तो एक्सपेक्टेशन ना हो, यहाँ हाई एंड रिसोर्ट भी ज़्यादा दिखे नहीं, लेकिन बहुत सारे होमस्टेज और छोटे रिसोर्ट्स हैं। विंटर में आना है तो फुल विंटर गियर के साथ आइए, मिनिमम टेम्परेचर माइनस में जा सकता है। दिसंबर एंड से मार्च एंड तक स्नोफॉल का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन याद रहे ये ड्राइविंग हैसल्स भी क्रिएट कर सकता है। गेस्ट हाउस में रूम हीटर रेंट पे मिल जाता है, लेकिन काफ़ी बड़ा रूम होने से उसका इफेक्ट एक सीमित एरिया तक ही हो जाता है। बायनाकुलर्स और कैमरा लाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आते वक्त भीमताल के बाद मुक्तेश्वर के रास्ते बहुत सारे जगह हिमालयन रेंज का व्यू और उसके बाजू में ही बहुत सारे होटल्स भी दिखे। रास्ता, हमारे रूट की रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। अगर आप घाट रीजन्स के ड्राइविंग से वाकिफ हो तो बेटर रहेगा। मुक्तेश्वर जाते वक्त हरे भरे हिली एरिया में जंगल्स और हिमालयन रेंज के नज़ारे देखते हुए जर्नी की थकान महसूस ही नहीं होती। एक बात ध्यान रहे, जिनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है वो प्रॉपर केयर लेके आए। मुक्तेश्वर पहुंचने से करीबन 45 मिनट्स पहले हमारा गूगल मैप उल्टी पुल्टी डायरेक्शंस दिखाने लगा, तो पता चला कि एक मोड़ हमने गलत ले लिया था। तो साइन बोर्ड्स की तरफ भी अच्छी तरह से ध्यान दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दिल्ली से जा रहे हो तो जितनी जल्दी निकल पड़ो उतना बेहतर, ट्रैफिक जैम से बच जाओगे। स्पेशलिटी, नेचर, नेचर और सिर्फ नेचर। ग्रैंड हिमालय रेंज व्यू, काफ़ी सारे बर्ड्स, पुराना महादेव मंदिर, फ्रेश एयर और रिफ्रेशिंग क्लाइमेट। तो चलो चले मुक्तेश्वर। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा हमारा पहला
7 साल का बर्डिंग एक्सपीरियंस, बर्ड हाइड क्या होता है और जिम कॉर्बेट की बहुत खूबसूरत सफारीज। जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और लेट अस प्लान एंड ट्रैवल पॉकेट फ्रेंडली विथ ट्रैवल सेन। नमस्कार।